23 जनवरी 1897 में जन्मे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि खून के बदले आजादी दिलाने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, जिसको लेकर के रायबरेली की सिविल लाइन चौराहे पर यहाँ पे लगातार कार्यक्रम किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाप्त हुई है। आज किस प्रकार आप लोग नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं और क्या चाहते हैं? आज का देश भारत वर्ष के लिए अपूर्णीय दिवस है। आज के दिन इस धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र जी ने जन्म लिया, और न सिर्फ जन्म लिया, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने देश के साथ आह्वान किया, युवाओं के साथ आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संपूर्ण भारत वर्ष उनका सदियों तक ऋणी रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उनको हार्दिक नमन, श्रद्धा सुमन और अभिनंदन करते हुए सिर्फ आप सब लोगों को नेताजी की जयंती की बधाई देता हूं, और प्रयास करूंगा, ईश्वर से कामना करूंगा कि नेताजी जैसे लोग बार बार इस भारत की धरती पर जन्म लें, ताकि यह देश अंग्रेजों जैसी कुछ हाथों से दोबारा कब्जे में ना आ सके। जय हिंद। नेताजी की अगर बात की जाए कि कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष रहे, उन्होंने शुरुआत कांग्रेस की और देश को आज़ादी दिलाने का, लेकिन आज की जो इंडिया देखी जा रही कांग्रेस, आज ये अवसर नहीं है कि राजनीतिक बात की जाए। नेताजी समस्त दल के, संपूर्ण भारत वर्ष के हैं। मैं किसी प्रकार का ऐसा उद्बोधन देकर जो राजनीति से प्रेरित हो, किसी दलीय व्यवस्था से प्रेरित हो, उनकी आत्मा को अशांति नहीं देना चाहता। नेताजी एक ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लगातार लड़ाई लड़ी, उसको क्या किस नजरिए से और क्या किस प्रकार आज कार्यक्रम करेंगे? सवाल इस बात का, आज़ादी के बाद नेताजी का चरित्र किस रूप में पेश किया गया? आपको मालूम है, जब नेताजी ने नारा दिया तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं नाम लेना नहीं चाहता उस व्यवसायी का, लंदन व्यवसायी जिसने 10 बक्सा अपना खजाना नेताजी को सौंपकर बंदूक लेकर खड़ा हो गया। उस भारत की कल्पना नेताजी ने सोची थी कि मेरा भारत होगा जहाँ जाति देश क्लेश नहीं होगा, जातिता नहीं होगी, कौमियत नहीं होगी, केवल इंसान रहेंगे। उस कल्पना को नेताजी ने देखा था। उन्हीं के आदर्शों से 21 वर्ष पहले आजादी, उस आजादी फौज के पुरखा सेनानायक कैप्टन राम सिंह जिन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया था, मैं उस समय का भी साथी हूँ, और तब से उस प्रेरणा से मैंने बचपन में नेताजी को पढ़ा था। आज वो प्रेरणा है कि जब तक मेरी सांस आखिरी रहेगी, 23 जनवरी नेताजी की धूमधाम से इसी तरह चलती। आज के क्या कार्यक्रम आप लोगों? आज मेरा कार्यक्रम यही होता, नेताजी को बड़ा माला पहनाया जाता है, सभी लोग आते हैं, और मुख्य भूमिका हमारे साथ भारत विकास परिषद नहीं रहे, डॉक्टर सुनील सारंगी, अरविंद दादा, सब लोग जिनके प्रयास से मूर्ति लगी थी। और ये मूर्ति लगाने में भी प्रशासन का बड़ा खेल हुआ था। ये मूर्ति चढ़ाने में हमको याद है मिस्त्रियों की क्रेनों के द्वारा हमने मूर्ति चढ़वाई थी। मैं तो पल पल का खबर, आजादी से दूसरा सुभाष पैदा नहीं हो सकता है। अरे सुभाष चंद्र बोस आज भी मैं सरकार से मांग करता हूँ, 70 साल हो गए, कितनी जाते आई, कोई कहता जिंदा है, कोई कहता मर गए, अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, क्यों डरते हो? मैं यहाँ के भारत सरकार को चुनौती देता हूँ, क्यों डरते हो? क्यों नहीं पायलट सार्वजनिक करते हो कि मृत्यु देशों के संबंध खराब हो जाएंगे? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा, चाहे पूर्व सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, कि 14 अगस्त की आजादी 15 अगस्त में क्यों गई? ये भी इतिहास के प्रश्न है, हमको मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मैं रायबरेली का वो नौजवान हूँ, पर भर भरौली बरौली रायबरेली इनके इतिहास को जानता हूँ। बिल्कुल, आज रायबरेली जिले में नेता सुभाष चंद्र बोस जयंती का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और इस दौरान लगातार रायबरेली में कई ऐसे समाज सेवी जो इनका कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं। रायबरेली।